नमस्कार दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। एक फेसबुक फ्रेंड है मेरे, सचिन कुमार। उन्होंने एक विषय उठाया। उन्होंने कहा कि भैया, बात बड़ी बड़ी करना आसान होता है, लेकिन आप मीडिया वाले कभी जो बड़े विषय हैं, जो रियल सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर अब बात नहीं करते। हालांकि आई टोल्ड हिम, आई रिजेक्ट हिज एलिगेशंस। आई सेड कि मेरे कैपेसिटी से जो भी होता है मैं करता हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइव, फेसबुक लाइव जाऊँ और उनके विषय को आवाज़ दूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मसाल नहीं बन सकते तो एटलीस्ट आप चिंगाड़ी तो बनिए। आप आवाज़ उठा नहीं सकते तो अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ तो बन सकते हैं। इसी मकसद से मैं अभी लाइव आया हूँ। किसानों से संबंधित मुद्दा उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, जिसमें लिखा हुआ था कि नीति आयोग का मानना है, 2 साल पहले नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट लाया था जिसके तहत उन्होंने सिफारिश की थी कि सरकारों को, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सरकारें हैं, सभी को जो किसानों से जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी डायरेक्ट खरीदारी होनी चाहिए, रेदर चैन के थ्रू, रेदर मार्केट के थ्रू। अभी क्या होता है कि जो मंडी होता है, मंडी के थ्रू गवर्नमेंट या प्राइवेट जो बॉडीज होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो उनका मानना यह था कि प्रोडक्ट को डायरेक्ट खरीदा जाए। उसमें कुछ सिफारिशें और भी थी जिस पर मैं अभी, उस आर्टिकल में जो बिंदु लिखे हुए थे उस पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। द एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ रेडीड द मॉडल लॉ इन कंसल्टेशन विद द नीति आयोग। गवर्नमेंट लुक्स हेल्प द फार्मर गेट बेटर प्राइस बाय द रिमूविंग द मिडिल मैन। यानी मिडिल मैन को हटाकर एक जो बढ़िया प्राइस, जो रैशनल हो, जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो, उस प्राइस पर प्रोडक्ट को खरीदा जाए, ठीक है। साथ में ई ऑक्शन क्रॉप प्रोड्यूस का भी विकल्प बताया गया था, ताकि ऑनलाइन भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं जो अनाज खरीदते हैं वो भी खरीद सके। फार्मर्स ऑल्सो गेट अ मोर चॉइस टू सेल देयर प्रोडक्ट। और फार्मर्स के पास भी चॉइस होना चाहिए कि केवल सरकार या एक दो ही कंपनी नहीं, बल्कि खरीदारों की संख्या बढ़े, ताकि कंपटीशन ज़्यादा हो और प्राइस वैल्यू इंक्रीज हो। सिंगल लेवी ऑफ टैक्स, मैंने बहुत सारे टैक्सेस ना देना पड़े किसानों को, बल्कि एक ही टैक्स हो। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि चूंकि फार्मर फार्मर या एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो कि 69% रूरल जो पॉपुलेशन है उनको रोजगार देता है, तो इस लिहाज से इस सेक्टर को मजबूत बनाना ज़रूरी है। हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा किसानों के साथ समस्या है इस देश में। विडम्बना वाली बात है कि जो देश खेती के लिए जाना जाता है उस देश में इस तरह की समस्याएं हैं। किसानों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे सरकारें वादा करती हैं। आपको बता दूं कि सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद कहा है कि 2022 तक वो किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। अच्छी बात है, देखा जाएगा, क्योंकि 2019 है, अभी 3 साल है उनके पास। हम सब प्रे करते हैं कि नरेंद्र मोदी इस मकसद में कामयाब हो, उनकी सरकार इस मकसद में कामयाब हो और किसानों की आमदनी बढ़े। भला कौन नहीं चाहेगा। लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता है। पिछले 5 साल तो कंप्लीट कर चुके हैं। 5 साल में ऐसा कोई बड़ा कदम, हालांकि ये नहीं कह सकते कि कदम नहीं उठाया उन्होंने, उन्होंने कदम उठाया है, लेकिन आउटपुट उस तरीके से नहीं आ पाया है जिस तरीके से हम मान सके कि MSP जो है किसानों के वो बढ़ेगा और आमदनी डबल हो जाएगी। चलिए, फिर भी हम प्रे करते हैं गॉड से कि ये सफल हो। मैं देख रहा था कि थोड़ा डेटा खंगाल रहा था, तो मैंने पाया कि जो GDP में एग्रीकल्चर का योगदान है वो लगभग 18% है, लेकिन सरकार जो एनुअल बजट पेश करती है उसमें जो खर्च करती है वो एवरेज 2% होता है। मोदी जी के राज में 2.6 था पिछले साल। तो जब आपका, आप बजट का जो अमाउंट है 2 से 3% अगर एग्रीकल्चर में स्पेंड करते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी परिवर्तन आ जाए, किसानों की आमदनी डबल हो जाए, किसान सुसाइड ना करे, आई थिंक बेमानी है ये। और दोस्तों, मैं एक चीज़ पर और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आजकल प्रचलन बन चुका है सरकारों का या राजनीतिक पार्टियों का कि कर्ज माफ़ कर दो किसानों का और आप सरकार में आ जाओ, उनका वोट ले लो।
दरअसल ये भी कहीं से भी बेहतरीन आइडिया नहीं माना जा सकता है। उनका क्या, कभी कभी सोचा है किसी ने कि उन किसानों का क्या जो ईमानदारी से लोन चुका देते हैं? वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, या नेक्स्ट टाइम से जो ईमानदारी से अपने कर्ज चुका देते हैं वो तो सोचेंगे कि बेकार है, सरकारी कर्ज तो चुकाना ही नहीं चाहिए बैंकों का। तो ये सॉल्यूशन नहीं है इस तरह से आप फ्री बीज बांटना, लोन माफ कर देना और फिर उनका वोट लेना। कांग्रेस ने ये ट्रेंड और को इस ट्रेंड को और मजबूत किया है। पिछले आपको याद हो कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ था उसमें किस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसान के जो लोन माफी का नाम पर कांग्रेस ने बीजेपी को हटाकर सत्ता में आ गई और कांग्रेस ने कुछ माफ भी किया है कर्ज को। लेकिन ये हल नहीं हो सकता है। अगर हल लाना है तो आपको उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, जितनी ज़्यादा हो सके आपको सुविधाएं देनी होगी। आपको यू शुड एंश्योर दे कि कोई भी भूखा न सोए किसान, कोई आत्महत्या ना करे और कोई लोन भी लेना ना पड़े, इतना इनकम आप कर दो। तो सॉल्यूशन कहाँ, सॉल्यूशन लाइज इन द सिस्टम। जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाइए। जो नीति आयोग ने जैसा कि कहा कि किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी खरीदारी डायरेक्ट करे सरकार, मिडिल मैन ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। हम सब अनाज खा के ही बड़ा होते हैं। अगर जो अन्नपूर्णा देवता हैं, जो अन्न उगाते हैं, अगर इस देश में उनका रिस्पेक्ट नहीं है, समाज में अगर उनका कोई सुन नहीं रहा है, तो विडम्बना वाली बात है। फिर हम आप किस बात के पढ़े लिखे लोग। पत्रकार कम्युनिटी से भी निवेदन है कि हमें किसानों के मुद्दे पर को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उनके ऊपर लिखना चाहिए। यह इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपने देखा होगा, उनकी दिलचस्पी नहीं है किसानों के समस्याओं में। उनकी दिलचस्पी है साध्वी प्रज्ञा में, उनकी दिलचस्पी है राम मंदिर में, हिंदू में, मुसलमान में, उनकी दिलचस्पी है नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में, कश्मीर में। लेकिन 69% जो पॉपुलेशन है उनकी समस्याओं से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। इसकी वजह TRP भी है, रीडरशिप है, हमारे डिजिटल मीडिया में व्यूवरशिप कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो कम से कम फेसबुक के माध्यम से या जो भी माध्यम आपको मिले उस माध्यम से आवाज़ उठाइए किसानों के लिए, क्योंकि अगर अन्नपूर्णा जो किसान हैं अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? सोचिए, सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। दूसरा विषय मैं लेकर आया हूँ वो महिलाओं के संबंधित है। इस विषय पर मैंने अभी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा तो मुझे लगा कि इस विषय पर बोलना चाहिए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम कुछ चंद महिलाओं को जॉब करते हुए देखकर या उनके अच्छे ज़िंदगी को देखकर हमें लगता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। दोस्तों आज के टाइम्स ऑफ इंडिया ज़रूर पढ़िए, सेकेंड पेज में ही बहुत अच्छा डेटा लेकर आया है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया है कि 119 देशों के लिस्ट में भारत की जो स्थिति है जो सबसे बेकार देश महिलाओं के काम करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस फॉर वीमेन, वर्क फोर्स एज वीमेन, ऑक्सफैम है, इंटरनेशनल संस्था है, उसका डाटा है ये। उसमें बताया गया है कि भारत की स्थिति बहुत ख़राब है। 119 में 127 या 28 नंबर पर भारत है। वर्कफोर्स जो है, और देखिए कि कितना अंतर है। अगर शहरी क्षेत्र में अगर कोई महिला काम कर रही है तो उनको 387 रुपये मिलता है, लेकिन रूरल क्षेत्र में उसको रिड्यूस होकर 175 हो जाता है, यानी दुगने की अंतर है। तो शहर और गांव में इतना अंतर क्यों? फिर बहुत सारे डिटेल्स हैं, आप ज़रूर पढ़िए। इसमें एक है कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है जो है उनका इनकम महिलाओं के रिगार्डिंग 10,000 से कम है। 2015 का ये रिपोर्ट है। तो सोचिए कि 10,000 से कम की अगर सैलरी कोई व्यक्ति या महिला कमा रही है तो घर कैसे चलाएगी? आज के दौर में 10,000 पर्याप्त नहीं है घर चलाने के लिए। लेकिन दुख की बात है कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, ज़्यादातर लोग 10,000 से कम पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम भारत बहुत विकसित कर रहा है सोशल मीडिया को देखकर, और जो लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं उनको देखकर। उनकी ज़िंदगी का मतलब पूरे भारत की ज़िंदगी नहीं है। इस बात को हमें और आपको सबको समझना चाहिए दोस्तों। टाइम्स स्पेंट अर्बन वर्कर ऑन अनपेड केयर वर्क। अब जो केयर वर्क होता है, जैसे माँ हमारी, बहनें हमारी केयर करती है घर में, वो अनपेड सर्विस होता है, उसके लिए कुछ चार्ज हम नहीं देते हैं। तो गाँव क्षेत्र में वो 312 मिनट हमें अनपेड केयर करती हैं और शहरी क्षेत्र में 291। तो ग्रामीण महिलाएं जहाँ मैक्सिमम देखा गया है कि उनको एक्सप्लोर कम मिलता है,
तो महिलाओं को अगर अगर आगे बढ़ाना है तो ये शहर और गांव में जो अंतर है उसको भरना होगा। महिलाओं को पे स्केल के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, वर्क प्लेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि बिना हैरेस किए हुए महिलाएं, बिना हैरेस हुए महिलाएं अपने रोजी रोटी कमा सके, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा सके। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें देश को बेहतर प्लेस बनाना पड़ेगा महिलाओं के लिए। मैं हमेशा से सोचता हूँ कि महिलाओं के लिए ऑप्शंस क्या है। शहरी क्षेत्र में भी तो चलो मान लेते हैं कि फैक्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो पैसे कमा लेती हैं, लेकिन गांव क्षेत्र में खेती खेती में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जिनके पास खेत है चलो मानते हैं कि लेबर मजदूर वर्क के लोग कर लेते हैं, लेकिन टायर टू और टायर थ्री सिटीज़ जो हैं जैसे लखनऊ पटना गुवाहाटी जैसे छोटे शहरों में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। तो जो भी प्लान करते हैं पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि जैसे जो शहर में जो ज़्यादातर दुकान होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, नगर पालिका के अंदर, तो नगर पालिका को ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि वो जो दुकानें हैं वो महिलाओं को ही अलॉट करें ताकि महिला एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बाज़ारों में अगर महिलाओं की संख्या होगी, सेलर्स की संख्या होगी, तो बाज़ार अपने आप महिला अनुकूल भी होगा, वुमेन फ्रेंडली जिसको कहते हैं एटमोसफेयर मिलेगा। फिर हमें ये रोना नहीं रोना पड़ेगा कि महिला बाज़ार महिलाओं के लिए अनसेफ है। तो दो चीज़ों पर आज हमने बात करी, एक तो कि किसानों की स्थिति, दूसरा महिला वीमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम खुद को पढ़ा लिखा और देशभक्त मानते हैं, आजकल तो हर कोई देशभक्त खुद को कहता है, बस ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम कह दीजिए, वंदे मातरम बोल दीजिए। दरअसल इस तरह की बातों से देशभक्ति का कोई खास लेना देना नहीं है, उसको चमचागिरी कहते हैं। चाहे वो आप नरेंद्र मोदी के चमचे हो, चाहे वो ममता बनर्जी के चमचे हो या राहुल गांधी के चमचे हो, देशभक्ति का मतलब है देशवासियों के लिए आवाज़ उठाना, देश की महिलाओं के लिए अपने देश को बेहतर बनाने के लिए उनके फेवर में आवाज़ बुलंद करना, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाना, किसानों के लिए मजदूर के लिए आवाज़ उठाना, ये देशभक्ति है। तो सोचो, तो दोस्तों इस तरह की देशभक्ति कीजिए ताकि देश मजबूत बने। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।